नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मैं नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों, आज की हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है सूर्य नारायण की सच्ची कहानी, मुसलमान होने वाले एक हिंदू शख्स का वाक्या। चलो दोस्तों, मिलकर देखते इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सूर्य नारायण एक मदरसे के पास एक अमीर हिंदू घराने में पैदा हुआ और हिंदुओं के उस गिरोह से ताल्लुक रखता था जो सूरज की पूजा करते हैं। बचपन गुजरा तो जवानी शुरू हुई, बचपन की ही तरह उसकी जवानी भी निराली थी। वो एक हमदर्द नौजवान था, हर वक्त हरदम हर किसी की मदद को तैयार रहता, मजहब को नहीं देखता था। वो मोहल्ले की हर औरत को मासी कहता, उनके काम करता। जवानी से यह उसका मामूल था कि वो सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले मदरसे के कुएं पर आता, पानी निकाल कर नहाता और फिर अपनी पीठ सूरज की तरफ करके अपने साये की गर्दन पर नज़र जमा कर घंटों खड़ा रहता और सूरज की पूजा किया करता था। ना कभी उसने मदरसे के मौलाना से राबता बढ़ाने की कोशिश की और ना उन्होंने कभी उसको कुएं पर नहाने और ना ही मदरसे के कोने में इबादत करने से रोका। वक्त गुजरता गया और मौलाना साहब बूढ़े हो गए। अब सारा मदरसे का कामकाज मौलाना साहब के बेटे के हाथ में आ गया। उधर सूर्य नारायण भी, जो के यही हिंदू था जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो भी उम्र के आखिरी दौर में दाखिल हो चुके थे, लेकिन मामलात में कोई तब्दीली नहीं थी और ना कोई नागा था। फिर एक दिन ये हुआ कि आसमान पर बादल बने हुए थे और सूर्य नारायण नहा धोकर साफ सुथरा होकर सूरज के निकलने का इंतजार करने लगा ताकि वो सूरज की पूजा या इबादत कर सके। लेकिन बादल आने की वजह से सूरज नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं तकदीर को सूर्य नारायण पर तरस आया या खुद उनका दिल मुसलमान मौलवी को छेड़ने को कर रहा था। सूर्य नारायण मौलाना साहब के पास जाकर खड़े हो गए। मौलाना साहब बबूल के दरख्त से मिसवाक बना रहे थे। सूर्य नारायण आके कहने लगा कि ना तो आपके बड़ों ने हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की और ना ही अब आप हमें जन्नत में भेजने की कोशिश करते हो। सूर्य नारायण ने मजाकी अंदाज में मौलाना साहब को छेड़ दिया। मौलाना ने सूर्य नारायण को पलट कर देखा और उनका हाथ पकड़े पकड़े अपने दफ्तर में ले गए। मौलाना साहब फरमाने लगे कि और फरमाइए कि हमारे नसीब कैसे जागे, आज आपने हमें वक्त कैसे दे दिया, आप तो किसी को वक्त नहीं दे पाते। सूर्य नारायण ने कहा कि देखो भाई, तुम मेरे बच्चों की जगह हो। सूर्य नारायण ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मौलाना साहब के बेटे ने अब सारा कामकाज संभाला था। तो सूर्य नारायण ने इसीलिए मौलाना साहब से कहा कि तुम मेरे बच्चे की तरह हो, मुझे चकमा देने की कोशिश मत करो। सवाल पहले मैंने किया है, जवाब सुनने का हक मेरा ही बनता है। आखिर तुम सारी दुनिया को मुसलमान बनाते हुए बिस्तर उठाए फिरते हो। भाई, मैं भी आपके पड़ोस में उम्र पूरी करके चला हूँ। मुझे किसी ने एक बार झूठे मुंह भी नहीं पूछा कि मियाँ तुम भी मुसलमान बनना चाहते हो या नहीं। मैंने सुना है इस्लाम में पड़ोस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं। चलो हमें पड़ोसियों का हुकूक ही दे देते। सूर्य नारायण की बात ने मौलाना को बड़ा संजीदा कर दिया। मौलाना साहब ने बड़े नरम लहजे से बोले, सूर्य नारायण जी, मेरे वालिद की जान निकलने से पहले ये उन्होंने वसीयत आपके लिए की थी। वो फरमाते थे ये कि सूर्य नारायण जन्नती आदमी है, इसमें सारी आदतें अल्लाह की पसंदीदा है, बस थोड़े कागजी काम बाकी है। ये अंदर से मुसलमान है, अल्लाह की रहमत इस पर टूट पड़ने को तैयार है। बस तुम उस लम्हे के लिए तैयार रहना जब सूर्य नारायण में अल्लाह की मोहब्बत जागेगी, उस वक्त उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मौलाना की बात सुनकर सूर्य नारायण हक्का बक्का रह गए और बोले कि अच्छा। मौलाना मरहूम तो बड़ी पहुंची हुई हस्ती थे, हमें खबर भी नहीं लगने दी और हमारे दिल के राजों से बाखबर रहे। खैर, मौलाना ने पूछा कि सूर्य नारायण जी, आप इबादत नहीं कर रहे हो, यानी पूजा नहीं कर रहे हो। तो सूर्य नारायण बोले कि बेटा, तुम्हें मालूम है कि सूरज नजर ना आए तो हमारी इबादत नहीं होती। इस पर मौलाना बोले, अच्छा सूर्या जी, कभी आप आते हैं तो कभी सूरज नहीं आता, तो कभी सूरज होता है तो आप बीमार होते हैं। आज आप दोनों मौजूद है लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते, ये दरमियान में रुकावट किसने डाली है। तो सूर्य नारायण ने कहा कि हाँ, आज बादल ने मेरी पूजा में रुकावट डाली है। पर मौलाना कहने लगे, अच्छा सूरज जो है वो इन हल्के फुल्के बादलों के सामने मजबूर हो गया या किसी और हस्ती से जो कि सूरज से ताकतवर है, जिसने अपने हुक्म से एक रुकावट खड़ी कर दी।
और सूरज आग उगलने के बावजूद मजबूर हो गया। तो ये सुनकर नारायण जी खामोश हो गए। तो फिर मौलाना ने कहा, अच्छा सूर्य नारायण जी, ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक दिन पूजा नहीं की तो सूरज ने गुस्सा किया हो और अगले दिन सूरज आने से ही इनकार कर दिया हो या सूरज निकलने से ही इनकार कर दिया हो? तो सूर्य नारायण ने कहा कि हे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मौलाना ने सवाल किया कि ऐसा क्यों नहीं होता? क्या सूरज देवता को गुस्सा नहीं आता? क्या उसे आपके पूजा नहीं करने की खबर नहीं होती है? और मौलाना ने नरमी से गुफ्तगू को जारी रखा। इस पर सूर्य नारायण कहने लगे, गुस्सा भी आता है और उसी गुस्से से पनाह के लिए हम उनकी पूजा करते हैं और उन्हें हमारे पूजा की खबर होती है। मगर तो इतना कहने के बाद वो खामोश हो गए। तो मौलाना ने कहा, मगर क्या नारायण जी? तो वो कहने लगा कि सूरज देवता मजबूर है कि वो तुलू हो, वो अपनी मर्जी से उग नहीं सकते। फिर मौलाना बोले कि महाराज, अगर देवता भी मजबूर होते हैं तो फिर हमारी मजबूरियां कैसे दूर करेंगे? एक मजबूर दूसरे मजबूर की क्या मदद कर सकता है? क्यों ना उसे मजबूर करने वाले से ही बात की जाए जो उसे तुलू और गुरूब करता है और बादल को भेजकर उसकी किरणों को लपेट देता है। सूर्य नारायण जी चुप रहे। मौलाना ने बात को जारी रखते हुए कहा, सूर्य नारायण जी, आपके पास छुट्टी करने का इरादा और इख्तियार है, मगर सूरज के पास ना तो छुट्टी का इरादा है और ना ही उसके पास कोई इख्तियार है। सूर्य नारायण जी, क्या आपको पता है इसी इरादे और इख्तियारात की बुनियाद पर ये सारी कायनात और उसको संभालने वाले, उसके निज़ाम को चलाने वाले मलाइका को कहा गया कि आदम को सजदा करो, उसके बड़ाई को तस्लीम करो। आज कायनात में खालिक में पहली साहिब इरादा और साहिब इख्तियार वाली मखलूक को पैदा किया है, यानी बनाया है। अल्लाह के बाद इरादे के मालिक एक हस्ती बनाई गई और पूरी कायनात और फरिश्ते को उसके कदमों में डाल दिया, जिस आदम की औलाद में से आप भी है और मैं भी हूँ। आपने आज तक उस इरादे को इस्तेमाल नहीं फरमाया, अपने शर्फ को इस्तेमाल नहीं किया। इसे वैसे का वैसा ही अपने रब के पास लेकर जाओगे और फिर उसे क्या मुंह दिखाओगे? उस सजदे की कीमत तो चुकाते जाओ जो इख्तियार के सदके फरिश्तों से करवाए थे। सूर्या जी हक्का बक्का मौलाना की बात सुनते रहे। मौलाना पर जलाल और जमाल का गलबा था, कभी जलाल आता तो कभी जमाल। लगता था उन्होंने अपने बुजुर्गों की बात खूब पल्ले बांध रखी थी। मौलाना ने फिर कहा कि सूर्य नारायण जी, आप बहुत नेक इंसान हैं, हम सब ने आपको बचपन से देखा हुआ है, शायद कि हम मुसलमानों में भी आप जैसा हमदर्द, सखी और नेक इंसान मौजूद नहीं है। मगर सूर्य नारायण जी, कागजी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। दिल के दरवाजे का ताला अंदर से खुलता है। अल्लाह ने सुन्नत बना रखी है, उसने नबियों के बाप बेटियों और बीवियों को भी हिदायत नहीं दी जब तक कि उन्होंने दिल का दरवाज़ा खुद नहीं खोला। किसी के घर के अंदर बगैर इजाज़त के जाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। उसका हुक्म है कि उसी के घर में जाओ जिस घर का मालिक तुम्हें मोहब्बत से बुलाए। फिर वो आपके बगैर अंदर बुलाए कैसे आ सकता है? उसकी रहमत का समंदर आपकी चारपाई के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है। सूर्य नारायण जी, जरा दिल की खिड़की खोल कर देखिए फिर वो कैसे अंदर आता है। सूर्य नारायण जी चलने लगे तो ऐसा लग रहा था कि वो जमीन पर नहीं पानी पर चल रहे थे। जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई थी। वो रात कयामत की रात की तरह थी। दिल में तूफान पैदा हो गया था, रहमत की छड़ी शुरू हो गई। सूर्य नारायण जी सारी रात रो रो कर माफिया मांगते रहे। डर रहे थे कि सुबह से पहले कहीं वो मर ना जाए, कहीं कागजी कार्रवाई अधूरी ना रह जाए। उन्होंने अपनी सारी नेकियों के बदले अल्लाह ताला से सुबह तक जीने की दुआ मांगी। आज उन्हें जिंदगी की कदर का पता चला। सुबह अभी मदरसा खुलने का वक्त अभी नहीं हुआ था कि सूर्य नारायण जी मौलाना के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाज़ा मौलाना ने खुद खोला। सूर्य नारायण जी की कैफियत से लगता था जैसे उनका पूरा वजूद बोल रहा हो मगर जुबान खामोश हो। मौलाना साहब ने उनका हाथ पकड़ा और अपनी बैठक में ले गए। सूर्य नारायण जी को चारपाई पर बैठा कर उनके कदमों में बैठ गए और फरमाने लगे, सूर्य नारायण जी, आप कुछ मत बोलिए, जुबान को बंद रहने दीजिए। आज अल्लाह खुद आपके वजूद को सुन रहा है, वो आपकी दावत को कबूल करके आपके दिल में आ चुका है। सूर्य नारायण जी, मैं उसी के एहतराम में आपके कदमों में बैठा हूँ। जारो कतार रोते सूर्य नारायण को मौलाना ने खूब रोने दिया। वो जानते थे कि नया मुसलमान होने वाला शख्स नए पैदा होने वाले बच्चे की तरह रोता है और ये सेहत की अलामत है और जान की अलामत है। फिर मौलाना साहब ने अपने साथ नाश्ता करवाया और मदरसे के तमाम लोगों के सामने इस्लाम कबूल करवाया गया। उनका नाम अब्दुल्ला रखा गया और इस्लाम कबूल करने के ठीक 10 दिन बाद अब्दुल्ला भाई एक बुखार में अल्लाह को प्यारे हो गए। मौलाना साहब कहते हैं कि अब्दुल्ला के जनाजे पर लगता था कि एक हुजूम उमड़ पड़ा है।
एक तो वह बहुत नेक इंसान थे, हर एक के काम आने वाले थे, लोग उनकी चारपाई को कंधा देने टूट पड़े। जनाजे में ऐलान हुआ कि जनाजे में ताखीर की जाए। कई हिंदू भी मुसलमान होकर जनाजे में शामिल होना चाहते हैं, तो ऐसा करके सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। दोस्तों, हमने जो ये स्टोरी देखी है और जहाँ तक हमें इसे समझ में आया है, हमें लगता है कि ये स्टोरी क्या पता सच हो या झूठ हो। इस पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते कि हाँ भाई ये स्टोरी सच्ची हो सकती है या झूठ। क्या पता ये स्टोरी बनी बनाई हो, मतलब किसी ने बनाई हो मुसलमानों ने हिंदुओं को मतलब अपना अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। हाँ, वैसे देखा जाए तो अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दो इस वीडियो को देखने के बाद ही दे सकते, क्योंकि हमको ये वीडियो पता नहीं कि रियल है कितनी सच्चा है मतलब कितनी झूठ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद यही पता चलता है कि जो सूर्य नारायण जी थे मतलब वो पहले तो हिंदू ही थे, मतलब वो मतलब उसको तो यूँ ही चले गए भाई। जब भाई क्यूरियोसिटी होती है, इतने साल हो गए उनको कि उनने देखा कि हमारे जो आसपास जो मौलाना है वो उनको भाई एडवर्टाइज करते हैं, मतलब अपने धर्म को, मतलब बोलते हैं कि हमारे इस्लाम इतना वो है वो है, तो वो उनको भी होगी यार इच्छुक यार बताओ। इतनी देर से मतलब इतने दिनों से वो रह रहे हैं वहाँ, तो उस टाइम पर जब सूरज निकला तो वो चले गए थे पूछने में मौलाना से, तो वो कहने लगे कि हम इसी दे मतलब इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, ये है वो जैसे इन स्टोरी में बताया। फिर उसके बाद देखा तो फिर वो बीमार भी हो गए थे उस टाइम पे जब उनको ऐसी स्टोरी बताया चली, तो फिर उसके बाद ये मतलब कि फिर किसी ने बताया वो मुसलमान बन गए थे, ऐसा कुछ इन स्टोरी में बताया गया। हाँ दोस्तों, जहाँ तक बताया कि हिंदू धर्म में खाली सूरज भगवान की पूजा नहीं होती और भगवान की पूजा होती है, तो ये स्टोरी में खाली सूरज भगवान का ही टॉपिक लिया गया कि सूरज भगवान नहीं आए, बादल आ गए उनके आगे, उनके बादलों को किसी ने रोका था या उनकी शक्तियों ने रोक रखा था। तो ये थोड़ा अजीब सा लगा, मैं अटपटा सा लगा कि भाई ये ऐसा तो भाई मौसम को आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जरूरी नहीं कि हर दिन 365 दिन ही सूरज निकले। तो ऐसे कई दिन भी होता है, कभी धुंध भी आ सकती है, कभी बादल भी, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये हमारी ओवरऑल वीडियो आपको पसंद, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से बनाएं। नमस्ते दोस्तों।